कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ बस्ती में। मैं हूँ सुखदेव कुमार। दोस्तों आप कक्षा 10 का संस्कृत पढ़ेंगे और खासकर यह वीडियो जो है बिहार बोर्ड 2023 की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए यह वरदान साबित होने वाला है। और देखिए यह संस्कृत है, संस्कृत का प्यूसम द्वितीय भाग कक्षा 10 के लिए है और इसका चैप्टर नंबर पंचम है, पंचम पाठ है भारत महिमा। भारत महिमा पाठ के नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों कि हमारे देश यानी हमारा देश भारत और भारत की महिमा, भारत का गुण, भारत की संस्कृति, भारत का रीति रिवाज, खान पान, चाल चलन, वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी इसमें जरूर दी गई होगी। भारत की महिमा, भारत की गुणगान जो है इसमें किया गया है और इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग और हो सके आपके पास तो किताब उलट के देखिएगा, हम एक एक का अर्थ जो है बताने का काम करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है इसमें अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष है ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मि विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। या इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण के क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद से लिया गया है। यह पाठ जो है विष्णु पुराण और भगवत पुराण के क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद से लिया गया है। अविशिष्टानि पद्यानिक्षे में निर्मीय प्रस्तावितानि, नीचे निये निर्मित पद जो है प्रस्तावित है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति जो है भक्ति हमारा कर्तव्य जो है इसलिए कहा भी गया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के प्रति भक्ति जो है होना चाहिए, हमारा कर्तव्य जो होना चाहिए ये सब होना चाहिए। आगे इसकी पौराणिक कथा है, पुराणों की कथा है। पुराणों की कथा क्या है सुनिएगा। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्गाश पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रत्वाता। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, देवता भी जो है किलकारी लगाकर जोर जोर से भारत की महिमा का गुणगान करते हैं और कहते हैं यह भूमि कैसी है, भारत भूमि लोगों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। भारत भूमि जो है लोगों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है और धन्य है उन लोग जिसने भारत देश में जन्म लिया है। आगे अगला श्लोक है, अहो अमीषाम किम कारि शोभनम प्रसन्न एषाम स्वदितम संहरी, यर्जर्म लब्धम निर्सुभारिताजिरे मुकुंद सेवा पथिकम पैकम अस्पिराहिनम। यानी देवता भी जो है इस देश में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं और जो यहाँ पर जन्म लेते हैं वह स्वयं श्रीहरि अर्थात विष्णु की और भगवान की प्रसन्नता और खुशियों के पात्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर साधारण मानव तो छोड़ दीजिए, देवता भी भारत की महिमा का गुणगान करते हैं और भारत देश में जन्म लेना खुद किस्मत समझते हैं, जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। आगे इसकी एक पुराण की कथा जो है दो श्लोक के माध्यम से कवि बताए हैं वो समाप्त हुआ। अब आगे आते हैं आधुनिकी मान अभी के युग का आधुनिकी कथा क्या है इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे तो सुनने से ही आपको याद हो जाएगा और किताब देखिएगा तो उस समय आपको और भी याद हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा आधुनिकी कथा है क्या, यम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जातिर प्रभेद रिहकत्वं भावं वहन्तो वसन्ति। यम निर्मला या भारत माता जो है निर्मल है यानी पवित्र है, वात्सल माने ममतामयी है, दयामयी है, मातृभूमि है और प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सभी एकता के सूत्र में बंध कर रहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम एक हैं, हिंद देश के निवासी क्या है हम सब एक हैं। तो यह भारत माता क्या है निर्मल है, पवित्र है
और प्रसिद्ध है और यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग एकता के सूत्र में बंध कर रहते हैं। आगे है श्लोक, विशाल स्मदिया धरा भारतिया सदा सेविता सागर रम्य रूपा वनय पर्वत निर्जरे भव्य भूति वहंती वीरे स्वाचा पगावी। यह भारत भूमि कैसी है, विशाल है और सदा जो है सागरों द्वारा, झरनों द्वारा, वनों द्वारा जो है यह सेवित है, सब इसकी शोभा को बढ़ा रही है। सागर, पर्वत, झरना, नदियाँ, वन, ये सब जो है भारत की सेव द्वारा से, भारत की सेवा कर रही है, सब इसकी शोभा को बढ़ा रही है और भारत भूमि जो है अति विशाल है। आगे कहता है, लास्ट श्लोक है इस पाठ का, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः भिरेत तथा पूजनीयम भवेत देश भक्ति समेषां जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। तो यह जगत का गौरव, जगत का अर्थ होता है संसार, यह भारत भूमि जो है संसार का गौरव है, संसार का प्रतिष्ठा है, संसार का मान है, सम्मान है और यह भारत जो है शोभनीय है, सदा अस्माभिदेता पूजनीय। यह भारत भूमि जो है हम सबों के द्वारा क्या है, पूजनीय है और देशभक्ति की भावना जो है इस देश के सभी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और यह आदर्श स्वरूपा है। यह भारत भूमि जो है आदर्श स्वरूपा है, जगत का गौरव है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। तो इस पाठ का जो है पूरा श्लोक हम पढ़ लिए, इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये सब जो है इस पाठ में ही समाहित है। इसका अर्थ अगर आप जान जाइएगा अच्छे से तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वह सब आप उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीख जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि भारत महिमा पाठ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और संस्कृत की इससे भी और भी रोचक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।